नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। आज एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पर बात करना चाहता हूँ, वो है मोटापा, खास तौर पे पेट की चर्बी, जिसको लेकर के तमाम दुनिया परेशान है, तमाम धंधे चल रहे हैं। मैं आपको पर्सनल बातें बताना चाहता हूँ। जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरा वजन था 100 किलो। फर्स्ट ईयर खत्म होते होते मेरा वजन हो गया 102 किलो। मेरे पुराने दोस्त आज भी मुझे मोटा कह करके बुलाते हैं, मेरा निकनेम था। मैंने कोई दवा नहीं खाई। जिस दिन मन को संयमित कर लिया, खाना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया और एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो वजन घटना शुरू हो गया। दिन में चने खाता था भुंजे हुए, रात में खाता था 2 ब्रेड, 1 टमाटर, आधा प्याज और 1 नूडल का आधा पैकेट। 1.5 साल में मेरा वजन हो गया 62 किलो। मुझे मेरे घर वाले तक एक झलक में नहीं पहचान पाए थे। मोटापे को कम करने की कोई दवा नहीं होती, ये झूठ का व्यापार है। मोटापा कई तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप मोटे हैं भी कि नहीं। इसके लिए एक पैरामीटर है, इसको BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये आप अपने गूगल में जा करके इसका इक्वेशन देख सकते हैं। अपनी हाइट डालिए, अपना वेट डालिए, अपनी एज डालिए और आप मेल है कि फीमेल ये डालिए। एक एलॉगरिथम से आपको ये पता लग जाएगा कि BMI आपका कितना है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं Grade 1 के। अगर 35 से ज़्यादा है तो आप Grade 3 के ओबीस हैं। 30 और 35 के बीच में आप Grade 2 के ओबीस हैं। ये ओबीसिटी के 3 खंड हैं। अगर आप 20 से 25 के बीच में आते हैं तो आप ओवरवेट हैं। बहुत सारे लोग ओवरवेट होते हैं, वो अपने को मोटा समझते हैं। ओवरवेट लोग अपने आप को केवल डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। Grade 1 ओबेसिटी वालों को डाइट ऐसी करनी पड़ेगी कि उनका जो टोटल कैलोरी काउंट हो दिन में, दिन भर में, वो 1500 से और 2000 के बीच में हो। एक अच्छा डाइटिशियन आपकी हेल्प कर सकता है। आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी। Grade 2 ओबेसिटी में आपकी जो डाइट है वो 1000 और 1500 किलो कैलोरी के बीच में होनी चाहिए, प्लस एक्सरसाइज होनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइज होनी चाहिए एक प्रोफेशनल के अंडर में। और Grade 3 ओबेसिटी है तो अव्वल तो Grade 3 ओबेसिटी ठीक नहीं होती जब तक आप बैरियाट्रिक सर्जरी ना करा लें। और अगर आप उसको बिना सर्जरी के ठीक भी करना चाहते हैं तो आपको 800 किलो कैलोरी के आसपास, जो कि स्टार्वेशन डाइट होती है, वो आपको करनी पड़ेगी और साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओबीज लोगों को हमेशा टेस्ट करा करके देखना चाहिए कि आखिर उनकी ओबेसिटी का कारण क्या है। क्या थायराइड की वजह से ओबेसिटी है? अगर थायराइड की वजह से ओबेसिटी है तो होम्योपैथी आपको बहुत फायदा करेगी। थायराइड की दवा सप्लीमेंटेशन लेने से आपको फायदा होगा, बट आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। एक और ब्लड में हार्मोन होता है जिसको लेप्टिन कहा जाता है। अगर आपके लेप्टिन बढ़ा हुआ है तो यकीन जानिए आपको बहुत मुश्किल होगी वेट लॉस करने में। मगर लेप्टिन बड़े होने के बावजूद भी वेट लॉस करा जा सकता है। उसके लिए आप दवा भी ले सकते हैं, होम्योपैथी की दवा इसमें आती है, जो कि आपको लेप्टिन को नीचे करने में हेल्प करेगी, तो आपको वेट लॉस इनिशिएट करने में हेल्प होगी, लेकिन आपको डाइट और एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। फाइनली Grade 3 की ओबेसिटी अगर आपको है तो एक नया तरीका जो पिछले कुछ सालों में बहुत फेमस हो गया है, जिसको कि गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, बैरियाट्रिक सर्जरी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी एक बीमारी है, ओबेसिटी एक नोन बीमारी है और हर बीमारी का इलाज संभव है, मगर कोई एक दवा होम्योपैथी में ओबेसिटी के लिए नहीं है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा प्लस आपको कहाँ पे ओबेसिटी है इससे आपको हेल्प मिलेगा। पेट को मलवाने से, पेट पे अलग अलग तरीके की मशीनें चलवाने से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता।
एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ओबेसिटी को कम करने के लिए स्ट्रांग विल की ज़रूरत है, डाइट, प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है, डाइट कंट्रोल की ज़रूरत है और सीरियस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। दवाएं केवल सेकेंडरी है। इस झूठ के व्यापार में कृपया मत फंसे। धन्यवाद।